हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th। चैप्टर 5th हमारे पास क्या है देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन आप कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको क्या दे रखा है कि आपको एक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी इक्वेशन, कि जो कंडीशन दी उसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे हम। कैसे, ये दे रखा है आपको एक टैक्सी फेयर दे रखा है, आफ्टर ईच किलोमीटर हर किलोमीटर के बाद का टैक्सी फेयर बता रखा है। कैसे, व्हेन द फेयर इज, फेयर हमारे पास कितना है ₹15, स्टार्टिंग फेयर है ₹15 और एडिशनल हमारे पास क्या है 8 किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर 15 + 8 = 23, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर 23 में फिर ऐड कर देंगे 8 = 31 और इसी तरह क्या आ जाएगा 39। क्लियरली 15, 23, 31, 39 फॉर्म्स ऑन एन ए पी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हर एक टर्म में कितने कितने का डिफरेंस है, हमारे पास 8 का डिफरेंस है, सभी में 8 का डिफरेंस है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये ए पी के अंदर है। हमने पढ़ा था कि अगर डिफरेंस सेम है तो ए पी में, अदरवाइज नहीं है। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आपके पास क्या दे रखा है, एक एयर प्रेजेंट, एक सिलेंडर दे रखा है, जब हम उसके अंदर एयर पंप से, मीन्स जैसे हम हवा भरते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ऐसे हवा, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, तो वैक्यूम पंप है वो कितना रिमूव कर देता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर बची हुई जो भी हमारे पास एयर है उसका 1/4 रिमूव कर देते हैं। आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली, फर्स्ट स्ट्रोक ओनली के बाद क्या बचता है, वन में से, फर्स्ट में हमारे पास टोटल है, टोटल में से क्या माइनस कर दिया 1/4, क्या आ जाएगा 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन, उसके अंदर कितना पार्ट बचा हुआ है 3/4 ऑफ द, देयर फोर वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है वी, सेकेंड में हमारे पास क्या आ जाएगी 3V/4, नेक्स्ट में हमारे पास, फिर हमारे पास टू टाइम्स हो जाएगा 3V/4 का स्क्वेयर, फिर 3V/4 का क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एडजस्ट टर्म्स ऑफ डू नोट द सेम डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, अगर सेम डिफरेंस नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों ए पी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी देर की है 150 और हर एक में कितनी टर्म हो रही है सब्सिक्वेंट 50-50 ऐड हो रही है। सेकंड, फर्स्ट टू मीटर में क्या आ जाएगा 150 + 50 = 200 और थर्ड में क्या आ जाएगी 200 में फिर से 50 ऐड कर दिया 250 आ जाएगी, उसके बाद फिर से ऐड कर देंगे 250 + 50 = 300। अब देखो इन सभी के अंदर कितने का डिफरेंस है, 50-50 का डिफरेंस दे रखा है, अगर 50-50 का डिफरेंस है तो सेम है, सेम है तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास ये कैसी है एपी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट है 4th, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअल। हमारे पास बोल रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर ईयर के लिए 10,000 का, आफ्टर एवरी ईयर हर एक ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा 10,000, हम क्या करते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 power t, 10,000 × 1 + 8/100 t, टाइम कितना है 1 ईयर, फिर क्या आ जाएगा सेकंड क्या आ जाएगा 10,000 × 1 + 8/100 2, अब 3 के लिए 3, ऐसे ही चलता रहेगा कि ये सब इक्वल आएंगे, इक्वल नहीं आएगा। क्लियरली एडजस्टमेंट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन देम सो दे नॉट इन ए पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन ए पी, एक ए पी की पहली चार टर्म्स फाइंड करेंगे व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, जब आपको फर्स्ट टर्म ए दी हुई है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है ए, ए हमारे पास कितना है 10, सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं ए प्लस डी, 10 + d क्या है 10, 10 + 10 = 20, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म प्लस डी, a2 + d, a2 हमारे पास कितना आया 20 + 10 = 30, फिर थर्ड टर्म निकाल दी
फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री हमारे पास कितना आया 30, 30 प्लस 10 40, फिफ्थ में क्या करेंगे ए फोर प्लस डी, जो भी हमें टर्म निकालने उससे पहले वाले के अंदर डी ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ए पी के अंदर। अब फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ जाएंगी 10, 20, 30, 40 अप टू, नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस टू, डी इज इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी माइनस टू, सेकेंड टर्म क्या आएगी ए वन प्लस डी, ए वन कितना है माइनस टू और डी क्या है जीरो, माइनस टू प्लस जीरो आ जाएगा माइनस टू, फिर ए थ्री ए टू प्लस डी, ए टू हमारे पास क्या आया माइनस टू प्लस जीरो, सभी हमारे पास सेम आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज माइनस टू माइनस टू माइनस टू अप टू। थर्ड है a इज इक्वल टू फोर एंड d इज इक्वल टू माइनस थ्री, ए हमारे पास फोर है, ए वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a हमारे पास फोर है, ए टू क्या निकालेंगे ए वन प्लस डी, ए वन कितना है हमारे पास फोर और d हमारे पास कितना है माइनस थ्री, तो फोर में से थ्री जाएगा वन, ए थ्री कितना है ए टू प्लस डी, ए टू हमारे पास क्या आया वन और d हमारे पास क्या है माइनस थ्री, वन माइनस थ्री क्या आएगा माइनस टू आ जाएगा, ए फोर ए थ्री प्लस डी, ए थ्री हमारे पास क्या है माइनस टू और d क्या है हमारे पास माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री क्या आएगा माइनस फाइव, तो हमारे पास टर्म क्या आएंगे फोर वन माइनस टू माइनस फाइव। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ए वन इज इक्वल टू माइनस वन, डी इज इक्वल टू वन बाई टू, ए वन इज इक्वल टू माइनस वन, ए टू निकालेंगे ए वन प्लस डी इज इक्वल टू, ए वन हमारे पास क्या है माइनस वन और डी हमारे पास क्या वन बाई टू, माइनस वन प्लस वन बाई टू को करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ए थ्री ए टू प्लस डी, ए टू क्या आया माइनस वन बाई टू और डी क्या है वन बाई टू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो कैंसिल होके क्या आएगा जीरो, ए फोर जीरो, ए फोर क्या आ जाएगा ए थ्री प्लस डी, ए थ्री क्या है जीरो प्लस डी क्या है वन बाई टू, एड करेंगे क्या आएगा वन बाई टू, ये हमारे पास टर्म्स हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, ए वन इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव, डी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ए वन हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ए टू हमारे पास क्या आएगा ए वन प्लस डी, ए वन हमारे पास क्या है माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस डी हमारे पास क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव, अब दोनों माइनस हैं तो साइन माइनस करेगा और डिजिट को प्लस कर देंगे वन पॉइंट फाइव जीरो। सेकेंड ए थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा ए टू प्लस डी, ए टू क्या आया माइनस फाइव वन पॉइंट फाइव जीरो और डी हमारे पास क्या है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, अब वही है माइनस आगे रहेगा और डिजिट्स को प्लस करेंगे वन पॉइंट सेवन फाइव। ए फोर के अंदर ए थ्री प्लस डी आ जाएगा, ए थ्री क्या है माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव प्लस डी क्या है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, अब माइनस बाहर रहेगा और ऐड करेंगे क्या आ जाएगा टू, तो फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई हमारे पास ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर द फॉलोइंग ए पीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कुछ ए पी के टर्म्स दी हुई हैं उनकी हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। थ्री वन माइनस वन थ्री, अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है थ्री, ए हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है वन और फर्स्ट टर्म क्या है थ्री, वन माइनस थ्री क्या आ जाएगा माइनस टू। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस फाइव माइनस वन थ्री और सेवन, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी माइनस फाइव और सेकेंड टर्म सॉरी डी क्या आएगा माइनस वन में से इसको माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है माइनस वन, बीच में माइनस और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस फाइव, माइनस वन माइनस माइनस प्लस फाइव, फाइव में से बन जाएगा फोर। नेक्स्ट है वन बाई थ्री फाइव बाई थ्री नाइन बाई थ्री थर्टीन बाई थ्री, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी वन बाई थ्री कॉमन डिफरेंस फाइव बाई थ्री, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइव बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री, सेम है एलसीएम क्या आ जाएगा थ्री, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन क्या आएगा फोर बाई थ्री। नेक्स्ट है फोर्थ, जीरो पॉइंट सिक्स 1.7, 2.8, 3.9, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 0.6 कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 जाएगा 1, पॉइंट एज इट इज़ 1 में से 0 जाएगी 1, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर,
Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write the three more terms. आपको कुछ terms दी हुई हैं और ये बताना है क्या ये AP के अंदर हैं और अगर ये terms AP के अंदर हैं तो उनका common difference find करो और उससे next उसके three terms find करेंगे. 2, 4, 8, 16. अब देखते हैं A is equal to हमारे पास क्या आया 2 और D is equal to 4 minus 2 क्या आ जाएगा 2. But अगर हम इसमें से इसका तो डिफरेंस हमारे पास क्या आया 2 आया लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे सो इट इज नॉट एन एपी ये एपी के अंदर नहीं है. नेक्स्ट है सेकंड 2 5 by 2 3 7 by 2 ए हमारे पास क्या है 2 डी हमारे पास क्या निकाल लेंगे दो टर्म्स का शो करके दिखाते हैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके दिखा देंगे और थर्ड में से सेकंड अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 5 by 2 minus 2 एलसीएम क्या आ जाएगा 2 5 minus 2 2 जा 4 5 में से 4 जाएगा 1 by 2 अब a3 minus a2 a3 क्या है 3 minus 5 by 2 3 2 जा 6 minus 5 by 2 6 में से 5 जाएगा 1 by 2 दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या बोल देंगे यस इट इज इन ap में है तो हमारे पास d क्या आ गया 1 by 2 अब इससे नेक्स्ट हमें टर्म्स निकलनी है फोर टर्म्स तक हमें दिया हुआ है फिफ्थ टर्म निकालेंगे दिस इज इन एन एपी ये आपको क्या दे रखा है एक एपी में अब एपी में है तो हम क्या करेंगे ए फाइव निकालेंगे ए फाइव के लिए हमारे पास क्या आएगा बेटा ए फोर प्लस डी ए फोर हमारे पास क्या था 7 by 2 a4 हमारे पास क्या है इसकी लास्ट टर्म हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ टर्म ये है तो हमारे पास a4 क्या है 7 by 2 और d हमने क्या निकाला है 1 by 2 अब हम इसके अंदर पुट करेंगे a4 हमारे पास क्या आ जाएगा a5 is equal to a4 plus d a4 है हमारे पास 7 by 2 plus d है हमारे पास 1 by 2 is equal to अब 2 दोनों में सेम है LCM सेम है 2 as it is 7 plus 1 8 8 by 2 क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 4 जा 8 क्या आ जाएगी आपके पास फिफ्थ टर्म 4 नेक्स्ट है हमारे पास a6 a6 इज इक्वल टू a5 प्लस d a5 अभी हमने फाइंड किया है क्या है 4 प्लस d हमारे पास कितना है 1 by 2 4 प्लस 1 by 2 क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 by 2 8 प्लस 1 9 by 2 नेक्स्ट है a7 a7 के लिए क्या करेंगे a6 प्लस d a6 क्या है 9 by 2 प्लस 1 by 2 2 as it is 9 plus 1 9 plus 1 10 10 by 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5 तो हमारे पास टर्म्स क्या आई नेक्स्ट 4 9 by 2 एंड 5 नेक्स्ट है थर्ड माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 अप टू अब a हमारे पास क्या है माइनस 1.2 d हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हमारे पास क्या माइनस 3.2 माइनस कर देंगे इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 अब हमारे पास प्लस ये ज़्यादा है ये कम है तो साइन किसका आएगा माइनस का 2 में से 2 जाएगा 0 3 में से बन गया 2 ये हमारे पास क्या आया माइनस 2 d2 निकाल के दिखाएंगे थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इसमें से माइनस करेंगे ये भी क्या आ जाएगा माइनस 2 दोनों में डिफरेंस सेम है इट मीन्स हम क्या बोल देंगे कॉमन रेशियो इज सेम सो दिस इज इन एपी कॉमन रेशियो सेम है तो क्या बोल सकते हैं हम ये एपी के अंदर है एपी में है तो ए फाइव निकालेंगे ए फोर प्लस डी ए फोर क्या है माइनस 7.2 डी हमारे पास क्या है माइनस 2 अब दोनों माइनस है तो साइन माइनस का आएगा डिजिट प्लस कर देंगे 0.2 एज इट इज 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9.2 इसी तरह a6 a5 प्लस d a5 हमारे पास आया माइनस 9.2 और d हमारे पास क्या है माइनस 2 दोनों को करेंगे क्या आएगा माइनस 11.2 a7 a6 प्लस d a6 हमारे पास है माइनस 11.2 माइनस d हमारे पास क्या है माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 13.2 नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 2 अब a हमारे पास क्या है माइनस 10 d हमारे पास क्या है माइनस 6 और माइनस कर देंगे कौन माइनस 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 फिर हम क्या करते हैं a3 माइनस a2 a3 हमारे पास क्या है माइनस 2 और ये क्या है माइनस 6 माइनस 2 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6 6 में से 2 जाएगा 4
डिफरेंस इज सेम. अब दोनों में डिफरेंस क्या आया, सेम आया, तो क्या बोल देंगे, दिस इज इन एपी. अगर एपी में है तो ए फाइव टर्म क्या होगी, फोर टर्म प्लस डी. फोर टर्म क्या है, टू प्लस डी. डी क्या है, फोर. टू प्लस फोर क्या आ जाएगा, सिक्स. ए सिक्स, ए फाइव प्लस डी. ए फाइव क्या आया, सिक्स. प्लस डी हमारे पास क्या है, फोर. सिक्स प्लस फोर क्या आ जाएगा, टेन. ए सेवन, ए सिक्स प्लस डी. ए सिक्स हमारे पास कितना आया था, टेन. प्लस फोर क्या आ जाएगा, फोर्टीन. नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, थ्री एंड थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू एंड थ्री प्लस थ्री रूट टू. अब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म थ्री. d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, d हमारे पास रूट टू. अब d इज इक्वल टू रूट टू है. दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड हमारे पास क्या है, थ्री प्लस टू रूट टू. माइनस कर देंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस थ्री माइनस रूट टू. माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा. अब ये टू टाइम्स रूट टू है, ये वन टाइम्स, तो टू टाइम्स में से ये माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, वन टाइम्स रूट टू. ए फाइव निकाल लेंगे, ए फाइव के लिए ए फोर प्लस डी. ए फोर क्या है, थ्री प्लस रूट टू प्लस डी क्या है, रूट टू. अब थ्री एज इट इज आ जाएगा, थ्री टाइम्स है, ये वन टाइम्स है, थ्री और वन फोर टाइम्स रूट टू. ए सिक्स, ए फाइव प्लस डी. ए फाइव क्या आया, थ्री प्लस फोर रूट टू. डी क्या है, रूट टू. थ्री एज इट इज़, ये फोर टाइम्स, ये वन टाइम्स, फोर प्लस वन फाइव रूट टू. ए सेवन, ए सिक्स प्लस डी. ए सेवन हमारे पास क्या है, थ्री प्लस फाइव रूट टू. और डी हमारे पास क्या है, रूट टू. थ्री एज इट इज़, फाइव और वन सिक्स टाइम्स रूट टू. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सिक्स, 0.2, 0.22, 0.222 ऐसे ही चलते रहेगा. a इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.2. d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 0.22 में से माइनस कर देंगे 0.2, बाद में जीरो लगा देंगे इसके. जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.02. इसी तरह फिर थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसमें थ्री डिजिट है, इसमें थ्री डिजिट बनाने के लिए जीरो लगा दिया. टू में से जीरो जाएगा टू, और टू में से टू गया जीरो, टू में से टू जीरो. ये आ गया. अब दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें तो टू डिजिट्स हैं पॉइंट्स के बाद, इसमें थ्री आ गए, उससे नेक्स्ट में फोर आ जाएंगे, फाइव, ऐसे ही आते जाएंगे तो बढ़ रहे हैं, इक्वल नहीं है. तो क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट इक्वल, सो दिस सिक्वेंस इज नॉट इन एपी. अगर इक्वल नहीं है तो ये जो सिक्वेंस दी हुई है एपी के अंदर नहीं है. नेक्स्ट है 0, माइनस फोर, माइनस एट, माइनस ट्वेल्व अप टू. ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0. डी इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस 0. माइनस फोर माइनस 0 क्या आएगा, माइनस फोर. डी टू माइनस एट, माइनस कर देंगे, माइनस फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एट प्लस फोर क्या आ जाएगा, माइनस फोर. दोनों इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज इन एपी. ए फाइव निकालेंगे इज इक्वल टू ए फोर प्लस डी. ए फोर क्या है हमारे पास, माइनस ट्वेल्व. डी क्या आया, माइनस फोर. माइनस ट्वेल्व माइनस फोर क्या आएगा, माइनस सिक्सटीन. ए सिक्स, ए फाइव प्लस डी. ए फाइव हमारे पास क्या आया, माइनस सिक्सटीन. डी क्या, माइनस फोर. माइनस सिक्सटीन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी. ए सेवन, ए सेवन हमारे पास क्या, ए सिक्स प्लस डी. ए सिक्स क्या, माइनस ट्वेंटी. और डी क्या, माइनस फोर. माइनस एज इट इज़ 20 और 4 कितना आ जाएगा, माइनस 24. अब देखते हैं एट्थ, एट्थ में क्या है, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, सभी के सभी इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. डी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इसमें से माइनस कर दिया, माइनस वन बाई टू. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या आ जाएगा, जीरो. इसी तरह से जब हम सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस निकालेंगे वो भी क्या आएगा, जीरो. सभी का अगर जीरो आ जाएगा तो टर्म्स भी सभी वही आएंगी. कैसे, ए थ्री, ए फाइव, ए फोर प्लस डी. ए फोर हमारे पास क्या, माइनस वन बाई टू. डी क्या है, जीरो. तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू. ए सिक्स, ए फाइव प्लस डी. ए फाइव क्या आया, माइनस वन बाई टू. डी भी क्या, जीरो. फिर से वही सेम, ऐसे ही हमारी हर बार जब डी सेम है तो हमारे पास सिक्वेंस है वो ऐसे ही चलती रहेगी, सभी में सेम आ जाएगी. नेक्स्ट है नाइन्थ, वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन. ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा. d इज इक्वल टू थ्री माइनस वन क्या आया, टू. d टू नाइन माइनस थ्री क्या आएगा, सिक्स. अब टू और सिक्स इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे, दिस सिक्वेंस इज नॉट इन ap. नेक्स्ट है टेंथ, a टू a थ्री a फोर a अप टू. a
फर्स्ट टर्म मीन्स ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, डी वन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म टू ए माइनस ए क्या आएगा ए, और डी टू थ्री ए माइनस टू ए क्या आ जाएगा, ये भी ए, दोनों इक्वल है तो क्या बोल देंगे दिस इज एन ए पी। ए फाइव निकालेंगे, ए फाइव के लिए क्या करेंगे ए फोर प्लस डी, ए फोर हमारे पास क्या है फोर ए प्लस डी क्या है ए, फोर ए प्लस ए क्या आएगा फाइव ए, ए सिक्स ए फाइव प्लस डी, ए फाइव हमारे पास क्या है फाइव ए प्लस ए ये क्या आ जाएगा सिक्स ए, ए सेवन ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स क्या है सिक्स ए प्लस ए क्या आ जाएगा सेवन ए। नेक्स्ट है इलेवन, ए ए स्केयर ए क्यूब ए की फोर, ए इज इक्वल टू ए और डी वन इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए, अब इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ए माइनस वन। इसी तरह डी टू निकालना ए थ्री माइनस ए स्केयर, दोनों में से कॉमन क्या आया ए स्केयर, अंदर क्या बचेगा ए माइनस वन। अब ये दोनों देखो इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ ए है यहाँ ए स्केयर आ गया तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे दिस इज नॉट इन ए पी, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ए पी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है रूट टू रूट एट रूट एटीन और रूट थर्टी टू, अब a हमारे पास क्या आ जाएगा a हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू रूट टू, d इज इक्वल टू, अब d हमारे पास क्या है रूट एट माइनस रूट टू, रूट एट को मैंने क्या लिख दिया फोर मल्टीप्लाई टू, फोर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फोर किसका रूट है टू का, इसको क्या लिख दिया टू रूट टू माइनस रूट टू, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा रूट ए टू आ जाएगा। इसी तरह से जब डी टू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट एटीन माइनस रूट एट आ जाएगा, रूट एटीन को हम क्या लिख सकते हैं नाइन मल्टीप्लाई टू माइनस रूट एट को मैंने क्या लिख दिया फोर मल्टीप्लाई टू, नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री रूट टू, माइनस फोर किसका है टू का तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास रूट टू। अब दोनों में डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोल देंगे कि दिस सिक्वेंस इज इन ए पी। ए फाइव इज इक्वल टू ए फाइव क्या आ जाएगा ए फोर प्लस डी, ए फोर हमारे पास क्या है रूट थर्टी टू प्लस ए रूट टू, डी हमारे पास रूट टू आया रूट थर्टी टू एज इट इज़, रूट थर्टी टू को मैंने क्या लिख दिया फोर सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू, सिक्सटीन किसका होता है फोर का तो क्या आ जाएगा फोर रूट टू प्लस रूट टू क्या आ जाएगा फोर और वन फाइव रूट टू, फाइव को अंदर लेके जाएंगे फाइव का स्केयर कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई टू कितना आ जाएगा रूट फिफ्टी। नेक्स्ट है ए सिक्स, ए सिक्स में क्या लिखेंगे ए फाइव प्लस डी, ए फाइव कितना है फिफ्टी प्लस डी, फिफ्टी को हम क्या लिख सकते हैं फाइव रूट टू प्लस क्योंकि फिफ्टी हमारे पास ऊपर क्या आया था फाइव रूट टू प्लस रूट टू, और इसको हम क्या लिख देंगे सिक्स रूट टू, सिक्स का अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो स्केयर हो जाएगा, स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स रूट इंटू मल्टीप्लाई टू, थर्टी सिक्स टू जहाँ सेवेंटी टू तो क्या आ जाएगा रूट सेवेंटी टू। ए सेवन, ए सेवन के लिए हम क्या कर देंगे ए सिक्स प्लस डी, ए सिक्स हमारे पास क्या आया था सिक्स रूट टू प्लस रूट टू, सेवन रूट टू सेवन को अंदर लेके गए फोर्टी नाइन टू, फोर्टी नाइन के टू की मल्टीप्लाई रूट नाइन्टी एट। नेक्स्ट है थर्टीन, रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व, ए इज इक्वल टू रूट थ्री डी इज इक्वल टू रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, अब इसको हम सोल्व कर ही नहीं सकते आगे, डी टू हमारे पास क्या रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, रूट नाइन को हम क्या लिख सकते हैं थ्री और इसको क्या लिखेंगे एज इट इज़, अब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे दिस इज नॉट इन ए पी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्टीन, फोर्टीन में हमारे पास क्या दे रखा है ए स्केयर थ्री का स्केयर फाइव का स्केयर सेवन स्केयर, ये हमारे पास क्या है ए, ए इज इक्वल टू वन का स्केयर भी क्या होगा वन, डी वन इज इक्वल टू थ्री स्केयर माइनस वन, थ्री का स्केयर नाइन माइनस वन कितना आएगा एट, डी टू फाइव स्केयर माइनस थ्री स्केयर फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन, ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन क्या आएगा सिक्सटीन, अब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे इट इज़ नॉट इन ए पी के, जो सिक्वेंस है ये ए पी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्टीन, वन स्केयर फाइव स्केयर सेवन स्केयर सेवेंटी थ्री, ए इज इक्वल टू वन डी इज इक्वल टू फाइव स्केयर माइनस वन स्केयर, फाइव स्केयर ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, डी टू हमारे पास क्या सेवन स्केयर माइनस फाइव स्केयर ये आ जाएगा सेवन स्केयर फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव ये आएगा आपके पास ट्वेंटी फोर, दोनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे इट इज़ इन ए पी। ए पी में है तो फिफ्थ टर्म क्या होगी ए फोर प्लस डी, ए फोर क्या है सेवेंटी थ्री प्लस डी क्या आया ट्वेंटी फोर, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा नाइन्टी सेवन,
a 6, a 5 प्लस डी, a 5 क्या है 97 प्लस डी क्या है 24, प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 121, a 7, a 6 प्लस डी, a 6 हमारे पास 121 प्लस डी कितना है 24, प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 145। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। ओके, थैंक यू।